के आकर कमलों द्वारा हुआ है। आप क्या कहना चाहते हैं यहाँ जो उपस्थित हैं, हमारे जो बच्चे उपस्थित हैं, तो इन सबसे जुड़ी चार चंद शब्द आप जो कहना चाहें कहें प्लीज माइक्रोफोन सामने। बहुत बहुत धन्यवाद संचालक महोदय जी, राजेश व्यास जी और यहाँ पे उपस्थित हमारे बड़े बुजुर्ग सम्मानित साथी और हमारे बहनें बैठी हुई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आज मुझको यहाँ पे उद्घाटन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आप लोग का आशीर्वाद का भी बहुत तीर्थार्थ में रहूँगा। और शिक्षा के जगत में ऐसे स्टूडियो अपने यहाँ पे जैसे कि फूलपुर में है, आज यहाँ पे उद्घाटन किया मैंने तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि गांव और देहात में जिस दिन हम लोग शिक्षित होंगे तो ही आगे जाके बड़ी राजनीति, बड़ी शिक्षा, बड़ी दीक्षा कर सकते हैं। और जैसे अभी आपने बताया था, बड़े भैया हमारे यहाँ से भी राष्ट्रीय लेवल के खिलाड़ी हुए हैं, तो गांव से ही सीख के गए हैं। जब हमारे गांव गलियारे में अच्छी स्टूडियो और अच्छी शिक्षाएं, अच्छी शिक्षा संस्थान रहेंगी तो ही हम लोग आगे विकास कर सकते हैं। और बड़े बुजुर्ग, हम आपसे निवेदन ये इस बात की करेंगे कि अपने बच्चों को, जैसे हम हुए, हम भी बच्चे ही थे इसके पहले, लेकिन अपने बच्चों को पहले पढ़ाएं, एक रोटी कम खाएं लेकिन पढ़ाएं जरूर। जैसे बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था, बाबा साहब ने कहे थे, कम पढ़िए, कम खाइए लेकिन बच्चों को शिक्षित बनाइए। आज बाबा साहब ने हम सबको यहाँ पे बैठने का, एक जगह बैठने का संविधान में आह्वान किया है, तब हम लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। और संगीत दुनिया की एक ऐसी चीज है जो सरहद पार भी जाती है, आप लोग भी सुना होगा, हम लोग भी सुने हैं। और आज ब्लॉक प्रतापपुर ब्लॉक में प्रधानों की मीटिंग भी चल रही है, मुझको वहाँ पे भी जाना है। बहुत ज़्यादा नहीं कुछ कहूँगा, बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन इस बात के लिए और कहूँगा राजेश व्यास जी को, जो निरंतर मेहनत करते रहते हैं अपने स्टूडियो, शिक्षा और कोचिंग के माध्यम से, और जो मुझसे सहयोग होगा मैं सदैव तत्पर हमेशा हाजिर रहूँगा। बड़े भैया व्यास जी, बहुत बहुत धन्यवाद। संचालक महोदय जी, बहुत बहुत धन्यवाद, एक बार जोरदार ताली बजाइएगा हमारे मुख्य अतिथि के लिए। आपसे चंद सवाल है, मैं सवाल जरूर करता हूँ, सवाल बहुत करता हूँ, सवाल पता नहीं क्यों करने की अब धीरे धीरे आदत पड़ी जा रही है। पहले सवाल का ज्यादा जवाब देता था, अब सवाल का जवाब लेता हूँ। परिवर्तन ही दुनिया का नाम है। आप हमें बताइएगा कि आपकी जो है एजुकेशन क्या है, लोगों को बताइए आपने क्या एजुकेशन प्राप्त की। बीए फाइनल। अच्छा, आपने स्नातक किया है, तो स्नातक करने के बाद आप क्या करना चाहते थे? मैं स्नातक करने के बाद स्नातक से ही राजनीतिक कार्यक्रमों में आता जाता रहता था और निरंतर मेरा प्रयास था कि मैं राजनीति में आऊं। पॉलिटिक्स यानी राजनीति शास्त्र से आपने पढ़ाई स्नातक करी होगी संभवतः, तो राजनीति में अब इस समय आप पदार्पण कर चुके हैं, लेकिन मुझे आपके विषय में ज्यादा जानकारी नहीं है, क्योंकि अमित साहब के माध्यम से मुझे थोड़ा सा पता चला हुआ है। लोगों को थोड़ा सा बता दीजिए आप इस समय क्या कर रहे हैं, क्या है, कुछ नहीं परिचय दे दीजिए, तब लोगों को पता चलेगा, भाई हम भी जानेंगे, थोड़ा परिचय दीजिएगा प्लीज। मैं प्रतापपुर विधानसभा प्रभारी रंगीलाल जी के नेतृत्व में काम कर रहा हूँ और मैं इसमें जिला पंचायत पूर्व प्रत्याशी रह चुका हूँ। मेरा नाम कृष्ण कुमार यादव और भीम यादव है और मुझको जबरदस्ती यहाँ से चुनाव में, बड़े भैया थे हमारे और यहाँ प्रधान जी हैं होंगे और प्रधान जी नहीं आए अभी, वो तो वहाँ पे मीटिंग में ही है, सब लोग देखे होंगे कि जबरदस्ती मुझको चुनाव हरवाया गया 67-68 से, नहीं तो यहाँ पे समाजवादी पार्टी का एक परचम जरूर ला रहा था प्रतापपुर वार्ड नंबर 3 से। जी शुक्रिया, मैं चाहूंगा, भगवान से कामना करूंगा कि आपका मार्ग प्रशस्त हो, आने वाले भविष्य में आपको एक अवसर जरूर मिले, आप लोगों का अच्छा कर सके, ऐसी मेरी जो है ईश्वर से कामना है। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, एक बार जोरदार तालियां प्लीज।